वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण क्या क्या है। तो हमने बताया कि बौद्ध धर्म दैट मीन्स कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जो थे उनके जो पतन के जो कारण थे या फिर उनके उत्थान के जो कारण थे वो मैं बताना चाहूँगी। तो पहला कारण है सरल, दूसरा है लोकभाषा, तीसरा है सैद्धांतिक पक्ष का महत्व, नेक्स्ट है समानता पर आधारित, नेक्स्ट है स्वयं बुद्ध का उच्चरित्र, नेक्स्ट है लचीलापन, नेक्स्ट है पुरोहितों में छुटकारा, नेक्स्ट है राज्य श्री, नेक्स्ट है व्यवस्थित संघ, नेक्स्ट है समय अनुकूल सिद्धांत, और नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा धर्म का भाव, और नेक्स्ट है पतन का कारण, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। तो सबसे पहले सरल, सरल मीन्स कि बौद्ध धर्म में कहा गया था कि व्यक्ति को हमेशा उसके जितने भी भिक्षु थे जो बौद्ध संघ के जितने भी व्यक्ति थे उनको सरल स्वभाव के होना चाहिए, जिससे क्या है कि व्यक्ति जो है कि उसका धर्म का उत्थान जो है वो बढ़ता ही जाएगा बल्कि घटेगा नहीं। दूसरा कारण है कि सैद्धांतिक पक्ष का महत्व, सैद्धांतिक पक्ष का महत्व में कहा गया था कि व्यक्ति जो है मूर्तियों पर पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे क्या है उस धर्म का उत्थान बढ़ता ही रहेगा। नेक्स्ट है समानता पर आधारित, कहने का अर्थ है कि समानता पर आधारित दैट मीन्स कि हमारा जो बौद्ध धर्म का जो श्रम था, भिक्षु था, भिक्षुणियाँ जो थी, तो उन सभी के बीच समानता होनी चाहिए, किसी के बीच ऊंच नीच भेदभाव ये नहीं किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है एक लय में एक दूसरे से हाथ मिला के बढ़ सकेगा। नेक्स्ट है लोकभाषा, सॉरी छूट गया था लोकभाषा। तो लोकभाषा में ये कहा गया था कि हमारा बौद्ध धर्म में जितने भी लोग शामिल थे सभी भिक्षुओं को उपस्थित और शामिल होने का मौका दिया जाता था और उसमें सारी भाषाएँ भी बोली जाती थी। नेक्स्ट है स्वयं बुद्ध का उच्चरित्र, कहने का अर्थ है कि स्वयं जो हमारा जो महात्मा बुद्ध थे उनका चरित्र जो है वो अच्छा था, इसीलिए इतना हमारा महात्मा बुद्ध को लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट है लचीलापन, महात्मा बुद्ध जो थे सभी के बीच एक लचीलापन व्यवहार करते थे, किसी को तुच्छ नहीं करते थे और उनके अंदर एक लचीलापन था जिसके कारण कि बौद्ध संघ और बौद्ध भिक्षु जो था वो एक दूसरे से मिलके और पारदर्शिता के साथ वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट है कि पुरोहितों से छुटकारा, कहने का अर्थ है कि हमारा बौद्ध धर्म में कहा गया था कि बौद्ध भिक्षु जो है वो पुरोहितों से छुटकारा इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि वो धर्म का विरोध करते थे, इसीलिए उनसे वो छुटकारा पाना चाह रहे थे। नेक्स्ट है राजश्रय, राजश्रय में कहा गया है कि हमारा बौद्ध धर्म में जितने भी लोग हैं वो राजश्रय पर निहित है और वो हर भी चाहता था कि हम जनता का हित के लिए हम काम करें, ये उनका उत्तरदायित्व था। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित संघ, जब भी हम बौद्ध भिक्षु का जो संघ बनाते थे तो उस संघ में कहा गया था कि सबको हम प्राथमिकता देंगे ताकि हमारा जो बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं वो एक साथ मिलकर रह सकेंगे। उसके बाद है समय अनुकूल सिद्धांत, जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो हम समय को देखते हुए ही उस धर्म को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा बौद्ध भिक्षु जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और उसकी जो प्राथमिकता है उनको ज़्यादा मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिस्पर्धा धर्म का अभाव, हमारे बौद्ध धर्म में कहा गया था कि अपना धर्म के प्रति लोगों में एक अस्पर्धा थी, तो वो अस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए ये बौद्ध धर्म में धर्म का प्रचार किया जाने लगा जिससे कि हमारा बौद्ध धर्म जो था कि किसी तरह के लोग उसमें कोई बाधा ना आए, इसीलिए इस धर्म को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इसमें पतन का कारण बताया गया था कि आंतरिक कारण और बाह्य कारण। तो हमने देखा कि हमारा जो बौद्ध धर्म था उसका आंतरिक और बाह्य कारण भी कहा गया था कि ये जो धर्म है, ये जो सिद्धांत है उनके तहत हमको चलना है कि आंतरिक कारण में हम बौद्ध धर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और कुछ लोग जो है कि बाह्य में इस धर्म पे ज़्यादा उसको तुच्छ करते हैं, कोई मूर्ति पूजा को तुच्छ करते हैं तो कोई बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को तुच्छ करते हैं। तो ये सारे कारण जो था कि हमारा बौद्ध धर्म का पतन होने का कारण था या फिर हमारा बौद्ध धर्म का उत्थान का जो कारण था, या तो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनका चरित्र बहुत अच्छा था जिसके कारण हमारा महात्मा बुद्ध का धर्म का प्रचार हुआ और लोग इसे आगे बढ़ने लगे, इसे महात्मा बुद्ध की तरह मानने लगे और
महात्मा बुद्ध को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। तो हमने बताया कि मौत धर्म के जो उत्थान के कारण थे, जो कि सरल और लोक भाषा, ये सारे जो महात्मा बुद्ध के अंदर ये जो दिया गया था इतना उसका उत्थान का कारण, ये सारे चीज़ महात्मा बुद्ध के उत्थान के कारण है और लोग इसी का अनुकरण करते हुए आज महात्मा बुद्ध जो है जिसको हम भगवान की तरह भी पूजा करते हैं। धन्यवाद।